सर दो मिनट सर, मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? जी सर, मैं सुरभि। सर मैं दैनिक टाइम्स से हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। आप इतने बड़े सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने कैसे मैनेज किया आप? जी देखिए, सीए हैं तो दो अक्षर जी, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी बहुत लंबी है। अगर आप मेरी जर्नी की बात करें तो आज भी मुझे वो मोमेंट याद है जब स्कूल की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया और पहली बार मैंने डायरेक्टर सर को देखा। वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा। अरे तुम कल स्कूल आओगे? हाँ मैं आऊंगा, छुट्टी नहीं करता मैं, तो मुझे आना ही है कल। अरे ये कौन है? अरे ये हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर हैं। अच्छा, ये चार्टेड अकाउंटेंट है। तुम्हें पता है इनका सिग्नेचर पीएम सर से भी बड़ा होता है। अच्छा, तब तो मैंने सोच लिया है मैं भी चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा। चलो इस बार इतना आसान नहीं होगा, मार्केट बहुत ठंडा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो ठीक लगे। हम आपके अनाज को बिकवा देंगे, लेकिन पहले ही कह रहे हैं कि दाम कम मिलेगा। पहले भी आपने मदद की है। पहले बात अलग थी, अब मार्केट में मंदी है और सबको दिक्कत हो रही है। आप देख लेना। अच्छा मैं कल कब आ जाऊं? पापा एक मिनट बेटा, मुझे जरूरी बात करनी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मैंने सोच लिया है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। उनके सिग्नेचर ना प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े होते हैं। अरे आपको पैसों की क्या जरूरत है? आपका बेटा तो सीए बनने वाला है। अच्छे अच्छे नहीं बन पाते सीए, बेटा इतना आसान नहीं है। अरे पहले तुम 12वीं पास करो, वो बहुत बड़ी बात होगी। सपने वो देखो जो पूरे हो सके। अरे सीए बनने के लिए शहर जाना पड़ता है, इस छोटे से गाँव में कोई इंजीनियर नहीं बन पाया। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इतना आसान नहीं है सीए बनना। आप देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। मुश्किल भरे लम्हों में भी है जिंदगी, मेरा हाथ तू थामे रहना। राहे कोई भी अजनबी सी हो मगर मेरे साथ तू चलती रहना। क्या हुआ? सुन मेरी तरफ देख, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब सुन लिया था मैंने, मैं करूंगी तेरे बाबूजी से बात। और जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैं तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। अरे हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि तूने इतना बड़ा सपना देखा है, यहाँ तक तुझे लेके आए हैं। आगे भी लड़ूंगी और तुझे जो बनना है ना तू वो बन। अंकल सही कह रहे थे, सीए बनना इतना आसान नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू मेहनत करेगा तो तू कुछ भी कर सकता है, समझा? अच्छा छोड़, शाम को क्या बनाऊं तेरे लिए? सूजी का हलवा बनाऊं? जब तू सीए बन जाएगा तभी तू मुझे घुमाने ले जाएगा। ले जाएगा ना घुमाने? बोल बोल, ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? बोल बोल। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं, तू कहां है सुबह से? है कहां भटकता रहता है तू? ये मुंह क्यों सुजा रखा है तूने? है ऐसे तो बन लिए सीए। अंकल ने कहा हम सीए नहीं बन सकते। उन्होंने बोला और तुमने मान लिया? आपको लगता है हम बन सकते हैं? द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता याद है ना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो ये सी की धाड़ो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्या कमी है तुझमें? मुझे पढ़ाएगा कौन? तो इस बात की फिक्र तू क्यों करता है? मैं हूँ ना, तेरे को शहर लेके जाऊंगा पढ़ाने के लिए। मतलब मैं सीए बन जाऊंगा? बहुत बड़ा सीए बनेगा तू। अच्छा आज तुझे किसी से मिलवाने जाना है। किससे? अरे चल तो सही कि सब बातें यही बताऊंगा। या बताओ ना कौन? आज तुझे डायरेक्टर सर से मिलवाना है। हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर? हाँ। वो हमसे बात नहीं करेंगे। क्यों? वो इतने बड़े आदमी हैं। उन्होंने ही तो बुलाया है तुझे। हाँ?
अच्छा तो उसी अभी चलते हैं। अभी नहीं, सुबह चलेंगे। चलो मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ पढ़ने के लिए। नमस्कार, क्या प्रोग्रेस है सर? सारी तैयारियां हो गई हैं। कल का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होगा और आंगन के पीछे का भी सामान खाली करवा दिया है। और ऊपर का क्लासरूम? हाँ सर, वो तो मनीष ने कल ही करा दिया था। ठीक है, आप शाम को घर आके बाकी डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा शाम। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। एक बजे का टाइम था आपका आने का। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये हमारा बेटा है। क्या नाम है? अनुभव। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो। क्या हुआ, बोलो ना सर से। सर मैंने सोच लिया है, मुझे भी आपके जैसा बनना है। मेरे जैसा? हाँ सर, हमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अरे कौन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करता है और जिसका सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर सर से भी बड़ा होता है। किसने बताया ये सब? मुझे ये सब मेरे दोस्त ने बताया। तो उसने ये नहीं बताया कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है और लाइफ में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है? बहुत मेहनत करेंगे, जितनी किताबें बताओगे उतनी किताबें पढ़ेंगे, बहुत डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। सर आप बोलेंगे तो मैं इसे शहर ले जाऊंगा पढ़ाने के लिए। अरे आजकल सीए बनने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप किसी भी कोने में बैठ के सीए बन सकते हैं। बिना शहर जाए घर बैठे? आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से कहीं पे भी बैठ के आप सीए बन सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा हर जगह मौजूद है। सर हम बहुत मेहनत करेंगे, बस आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, आप कल आ जाना, मैं सुबह समझा दूंगा कि आपको क्या करना है। शुक्रिया सर। तो ये थी मेरे जीवन की कुछ यादें जी। उस दिन अगर विक्रांत सर मेरी मदद के लिए हाँ ना करते जी। तो शायद मैं ये सफर तय ना कर पाता था जी, जी। तो मुझे लगता है कि अगर हम मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जिंदगी में अच्छा मेंटर होना भी जरूरी है। सर आपको अंदर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आप जानते हैं सीए क्या करता है? हाथ खड़ा करके कोई बताइए, किसी को पता हो सीए क्या करता है? अच्छा, पैसों में किसको रुचि है? पैसों की दुनिया में अगर आपने पार्टी करनी हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर तय करेंगे पार्टी में क्या मंगवाएं क्या नहीं, उसके लिए बजट बनाएंगे, फिर खर्चा करेंगे। तो बस पैसों की दुनिया को मैनेज करता है कौन? सीए। हम में से कौन लोग रुचि रखते हैं अब सीए में? मेरी भी शुरुआत आप ही की तरह गांव से हुई थी, एक स्कूल से हुई थी। स्कूल में जब मैं पढ़ने आया, मेरा पसंदीदा विषय था कि नंबर्स की दुनिया को मैं कैसे समझूं। आप क्रिकेट का खेल देखते हैं? अगर आपने क्रिकेट का मैच मिस कर दिया, क्या क्रिकेट का स्कोर कार्ड देख के समझ सकते हैं कौन सी टीम जीती कौन सी हारी? क्रिकेट के स्कोर कार्ड से जान सकते हैं कौन से कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, फॉलो विकेट्स, बॉलिंग कैसे रही? इसी तरह से चाहे स्कूल के बही खाते हों, चाहे कॉलेज के बही खाते हों, चाहे कोई बिजनेस हो, उसका स्कोर कार्ड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कहलाता है। और बताइए प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट कौन बनाता है? तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे सीए क्या करता है? Yes, sir. तो मेरे साथ साथ बोलिए, सीए करता है अकाउंटिंग, सीए करता है ऑडिटिंग, सीए देखता है टैक्सेशन। जानते हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सीए के लिए क्या कहा था? डॉक्टर कलाम ने कहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। क्या हम सभी अपने देश भारत के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नेशन बिल्डर्स होते हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत $5 trillion की इकोनॉमी बनेगी, तो इसे बनाने में सीए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो फाइनेंस में इनकम कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, खर्चे कैसे कम करें और बचत, बचत बहुत जरूरी है। आपको आपकी मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं? आप सब खर्च देते हैं कि कुछ बचत करते हैं? तो बचत को कहीं निवेश भी करते हैं? इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलेगा? रिटर्न। तो यानी रिस्क और रिटर्न की दुनिया आकर्षण भरी है कि नहीं है? इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाता है? तो जब मैं आपकी तरह स्कूल में था, मुझे भी सीए के बारे मालूम नहीं था। फिर मैंने एक दिन देखा कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति सूट बूट टाई लगाकर गाड़ी से उतरा। मैंने अपने मित्र से पूछा, ये कौन है? वो कौन था? और मुझे भी सपना आया, मैंने भी जीवन में संकल्प लिया, मैं भी सीए बनना चाहूंगा। और फिर मैंने अपने पापा से पूछा, अपने टीचर्स से पूछा, और उन्होंने मुझे बताया कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI में एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि हमें सीए की पढ़ाई पढ़नी है तो हमें कहां जाना है? ICAI। मेरे साथ बोलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ये बताइए, कौन सी कक्षा का विद्यार्थी ICAI में एनरोल कर सकता है? सीए के कोर्स में कौन से कक्षा का विद्यार्थी एनरोल कर सकता है? 10th की परीक्षा के बाद आप सीए के कोर्स में आ सकते हैं, क्योंकि 10th के बाद आप स्कूल के विद्यार्थी चयन करते हैं कि साइंस स्ट्रीम में जाएं, कॉमर्स में या आर्ट्स में। तो अगर आप तभी निर्णय ले लें तो आपके लिए सरल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 10वीं के बाद निर्णय नहीं लिया तो 11वीं कक्षा में भी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन आप जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो 12वीं के एग्जाम देने के बाद दे सकते हैं। यदि आप फाउंडेशन देते हैं, उसे क्लियर करते हैं, तो दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट, उसे पास करते हैं तो सीए फाइनल्स, और फाइनल्स देने के बाद आप बन जाते हैं सीए। सीए में एक और खास बात है, 3 साल की आर्टिकलशिप, यानी आप किसी सीए के ऑफिस में 3 साल सीए का काम सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैश फ्लो क्या होता है। तो बताइए, सीए का विषय रोचक है कि नहीं है? आप मुझे बता सकते हैं सीए कौन कौन से क्षेत्र में जा सकता है, कहां कहां जा सकता है सीए? एक तो वो नौकरी कर सकता है, और वो अपना बिजनेस भी कर सकता है, सीए एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। आप जानते हैं बहुत से राजनेता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। क्या आप जानते हैं सीए एक्ट कौन से साल में आया? अच्छा बताइए, भारत आजाद कौन से साल में हुआ था? बिल्कुल सही, भारत 1947 में आजाद हुआ, और आजादी के 2 साल बाद यानी 1949 में सीए एक्ट आया। 1 जुलाई 1949 को ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, इसलिए हर साल भारत में सीए डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो बताइए, 1 जुलाई को भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो हम सब मिलके अब 1 जुलाई को सीए डे मनाएंगे। 1 जुलाई 1949 से लेकर अब तक 74 साल का सफर रहा है इस इंस्टीट्यूट का। आप जानते हैं भारत में अब तक कितने सीए बन चुके हैं? 3.5 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख। आप जानते हैं इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में कितने विद्यार्थियों ने रजिस्टर किया हुआ है? लगभग 8 लाख। और भारत की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए नेशन बिल्डर है, सीए कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। लेकिन सबसे खास बात चार्टर्ड अकाउंटेंट की पता क्या है? कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर अगर किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाएं, तो उस डॉक्यूमेंट को मान्यता मिल जाती है। यानी सीए के हस्ताक्षर इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए, मेरे हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीए डे 2017 में क्या कहा था? साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। तो सीए के हस्ताक्षर के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो आप में से कितने लोग सीए के कोर्स में दाखिला लेना चाहेंगे तो बताइए, आपको कहीं जाना है कि ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन अब आईसीआई पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है। किताबों के लिए, पंजीकरण के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। वेबसाइट है www.icai.org और आईसीआई की जो अकेडमिक विंक है बोर्ड ऑफ स्टडीज, उसकी वेबसाइट पे जाके आप सारी किताबें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बताइए, सीए में एनरोल करना और सीए की पढ़ाई करना डिजिटल जमाने में सरल है कि कठिन? तो जरूर आप डिजिटल माध्यम से आसानी से घर बैठे देश के किसी भी कोने से आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग सीए बनना चाहेंगे? Yes, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।